सस्वरूप परमात्मा की भक्ति कैसे की जाती है और सस्वरूप परमात्मा कौन है, यह विषय पे हम बात करेंगे आज। जनरली लोग बोलते हैं कि जैसे तो यह मैंने पद इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, मगर 2-5 मिनट खाली लेंगे। यह विषय इसलिए लिया कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि आप जो बता रहे हो वही सब गीता में लिखा हुआ है और आप जो बता रहे हो वही कृष्ण भगवान बताते हैं, तो कृष्ण भगवान का और आपका एक जैसा ही है, तो हम जो कर रहे हैं वो हम भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ पे कल एक पहले रामस्नेही आए थे, उनका एक जनरल सत्संग आए थे, उनका यही विषय था, तो उनके लिए मैंने आज साखी लिया, मगर वही नहीं आया आज। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो कितनी बढ़िया कितना भारी गुरु महाराज का पराक्रम है या फिर गुरु महाराज की भक्ति है। तो जनरली परमात्मा यानी कौन, तो यहाँ पे गुरु महाराज ने वो चीज़ बताई हुई है। परमात्मा यानी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परमात्मा मानता है, कोई कृष्ण को परमात्मा मानता है, अवतारों को परमात्मा मानते हैं, और कृष्ण को तो सभी लोग बोलते हैं कि इसमें टिका टिप्पणी कुछ नहीं है। कृष्ण को सभी लोग बोलते हैं कि वही परमात्मा है, वही उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। और हमारे संसार में ज़्यादातर गीता को खूब महत्व देते हैं और कृष्ण भगवान को सबसे टॉप पे रखते हैं, मतलब इससे आगे और कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते रहते हैं। तो गुरु महाराज इसमें ये पद में क्या बताना चाहते हैं कि उन समरथ की मैं बलिहारी, कि समरथ यानी वह सबसे ताकतवर समर्थ, सबसे ताकतवर समर्थ, उन समर्थ की मैं बलिहारी। बलिहारी मतलब कि तुम उसको शरणागति बोलो, उसको धन्य बोलो, उसको आप मैं नौछावर हो गया उस परमात्मा पे, समर्थ पे, ऐसा बोल सकते हो आप। उनको उसके उनके ऊपर मैंने कुर्बान हो गया, वो परमात्मा को मैं सेक्रीफाई हो गया, परमात्मा को मैं सरेंडर हो गया, ऐसा जो परमात्मा है उन समृत की मय बलिहारी। जिना मांड पसारी लो, जिसने ये मांड पसारी, मांड याने पूरा ब्रह्मांड जिसने पैदा किया, पसारी जिसने पसारा किया ब्रह्मांड में। तो गुरु महाराज कहते हैं उन समृत के वो परमात्मा है कैसा, तो इसको एक दिन बहुत डिटेल में लेंगे, जस्ट मगर थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज करके बताना चाहता हूँ। केवल बिना सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब गवावे रे, सब अवतार सगत सो शिव जी, परम पद को गावे रे लो। इसकी चाल अलग है मगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो केवल बिना सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब कवावे रे लो, कैवल्य के बिना सब माया है और ब्रह्मा विष्णु भी क्या है, ये सब माया है। अभी विषय ऐसा है कि सब अवतार सगत सो शिवजी, इसमें क्या है, सभी अवतार, सभी अवतार में कृष्णादिक भी आ गए, राम कृष्ण भी आ गए, सगत सो शिवजी, सगत यानी शक्ति और शिवजी यानी महादेव जी, परम पद को गावे रे। यह परमात्मा जैसे हम बार बार कहते रहते हैं, यह परमात्मा बराबर ख्याल रखना, यह परमात्मा जिसको हम सत्स्वरूप की सत्ता भी कहते हैं, सत्स्वरूप की सत्ता, इसको ही हम आनंद ब्रह्म कहते हैं, आनंद ब्रह्म कहते हैं, और यह परमात्मा की सत्ता जहाँ पे है उसको हम अजर लोक कहते हैं, अजर लोक, अमर लोक और आनंद लोक, आनंद ब्रह्म, आनंद लोक, ये इसके अलग अलग नाम हैं। और हमको राम जी का देश इसको कहते हैं, और राम जी का देश, राम जी का देश इसको ही कहते हैं, सस्वरूप परमात्मा का देश, ये अलग अलग उसके नाम हुए।
और हम रहते कहाँ पे है? तो हम रहते हैं यहाँ पे होन काल में, मृत्यु लोग में। कहाँ रहते हैं हम? हम मृत्यु लोग में रहते हैं, मृत्यु लोग में। और संसार के लोग भक्तियाँ, संसार के लोग भक्तियाँ किसकी करते हैं? तो ब्रह्मा जी की, शंकर जी की, विष्णु भगवान की, देवी देवताओं की, यहाँ पे शक्ति की, और फिर ज़्यादा में ज़्यादा जहाँ से अवतार आते वह परब्रह्म की, परब्रह्म की यहाँ से अवतार आते, रामादिक कृष्णादिक, रामादिक और कृष्णादिक। मतलब यह ओंकार में सब आ गए। यह ओंकार में कौन कौन आ गए? ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता और सत्स्वरूप परमात्मा अलग है। यह लोगों को समझाना बहुत कठिन जाता, लोगों को ऐसा लगता है कि सब एक ही है, मगर हर चीज़ अलग अलग है। जब तक तुम उसको अच्छे से समझोगे नहीं, ख्याल में नहीं लाओगे, तब तक भक्ति में हमेशा आदमी कन्फ्यूज रहता और फिर जो भी कुछ बोलता है उसको धारण करते रहता। केवल बिना सब माया हुई, केवल यानी एक कैवल्य परमात्मा, ये कैवल्य परमात्मा, यह कैवल्य परमात्मा, यह परमात्मा को अगर छोड़ दिया तो ये क्या है? सब माया है। केवल बिना सब माया हुई, माया यानी जो बनती और मिटती, बनती और मिटती, ये होगी माया। जो अमर नहीं है, जो अमर नहीं है, जो अस्थिर है, जो अस्थिर है, जो स्थिर नहीं है। और केवल क्या है? यह स्थिर है, यह स्थिर है, ये बनता भी नहीं तो मिटता भी नहीं, तो मिटता भी नहीं। ये बहुत बड़ी चीज ख्याल में रखना। ये अमर है, सदैव अमर है, त्रिकाल सत्य है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहने वाला है। ये बार बार जमता, बार बार मरता, ये जो ओंकार की माया जो है। तो केवल बिना सब माया हो, ये ब्रह्मा विष्णु सब कवावे रे। संसार के लोग ब्रह्मा जी की भक्ति करते, विष्णु जी की भक्ति करते, शंकर जी की भक्ति करते, शक्ति की भक्ति करते। गुरु महाराज कहते हैं ये सब माया है, यह साहेब नहीं है, ये साहेब नहीं है, यह परमात्मा नहीं है, यह परमात्मा नहीं है, साहेब नहीं है, परमात्मा अलग है और यह सब उसकी माया है, परमात्मा की माया है। सब ख्याल में रखो चीज। केवल बिना सब माया हुई, ब्रह्मा विष्णु सब कवावे रे। सब अवतार सगत सो शिव जी, सभी अवतार रामादिक कृष्णादिक, सगत यानी शक्ति, शिवजी यानी महादेव जी, परम पद को गावे रे लो। किसको गाते हैं ये? उस परम पद को गाते हैं, परम पद, परम और पद, परम यानी श्रेष्ठ, पद यानी पद। तो यह श्रेष्ठ पद को गाते, तो श्रेष्ठ पद है कौन सा? परमात्मा का, परमात्मा की सत्ता, आनंद ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, यह श्रेष्ठ पद है। तो गुरु महाराज कहते हैं अब ये चीज ख्याल में रख लो आप। मैं यहाँ पे इसलिए यह पद लिया कि संसार के लोग कृष्ण ही बड़ा है, कृष्ण से ऊपर और कुछ नहीं है, कृष्ण ही बड़ा है, राम बड़ा है, यही बताते रहते। तो गुरु महाराज इसमें यह बताना चाहते कि कृष्ण बड़ा नहीं है और राम भी बड़ा नहीं है, और 33 कोटि देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु भी बड़े नहीं है, परमात्मा से कोई भी बड़ा नहीं है, परमात्मा सबसे ऊपर है, परमात्मा सबसे ऊपर है। क्या कहते हैं? गुण समृद्ध की मैं बलिहारी, मैं उस समृद्ध की, समर्थ यानी सबसे जो श्रेष्ठ है, सबसे जो बलवान है, उस बलवान की मैं बलिहारी, उसके शरण में मैं हूँ, उसको धन्य है, धन्य है, उसको मैं सरेंडर हो चुका हूँ, उसके मैं नौछावर हूँ, ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि मैं उस समर्थ को बलिहारी, उसके शरण में हूँ। जिना मांड पसारी रे, जिसने ये पूरी की पूरी मांड बनाई, किसने बनाई? पूरी की पूरी मांड बनाई, ख्याल में रखो, समझ में। फिर हम ये यहाँ पे ऐसा भी बोलते हैं कि भाई परमात्मा तो कुछ करता नहीं, फिर उसने पसारा क्यों किया, है ना? तो परमात्मा कुछ भी करता नहीं, यहाँ जो भी चलता है परमात्मा का ज्ञान चलता है, ज्ञान मतलब विज्ञान चलता है, ये विज्ञान के भरोसे सब चलता है। विज्ञान क्या है? सत, ये सत के आधार पे सब, ये सत के आधार पे सभी टिका हुआ है। ये कहाँ टिका हुआ है? इस सत के आधार पे सब टिका हुआ है। तो इसमें, इसमें से अगर सत निकाल दिया, मेरे शब्द पे ख्याल रखना, यह जो ब्रह्मांड बनाया हुआ, इसमें से अगर सत निकाल दिया तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो आगे चीज आएंगी। तो जिनिया मांड पसारी रो, पसारी मांड किस, ये सब अभी ये समझो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का कर्ता कौन है, कौन किसने किया, तो समझो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, समझे? तो ऐसे ही समझ के चलो कि इसका कर्ता कौन है, तो इसका कर्ता परमात्मा है। ये किसके भरोसे चल रहा है? ये सत्य के भरोसे चल रहा है, यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 33 कोटि देवता, कृष्ण, श्री राम, ये सब किसके भरोसे चलते हैं? उसके भरोसे चलते हैं।
परमात्मा के भरोसे चलते हैं। ये चीज़ ख्याल में रहो, ख्याल में है क्या चीज़? हम लोग कैसा करते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल सब एक एक को सुनावा रहता और पूरे इसमें हम देखते नहीं, और परमात्मा सभी को परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। जैसा उस दिन हमारा डिस्कशन हुआ था, काफ़ी देर तक डिस्कशन होते रहा, फिर उसमें उनका कहना आखिर में यही पड़ा कि नहीं कृष्ण ही सबसे भारी है। हाँ पाप नहीं, सत खत्म होगा ही नहीं, सत खत्म कभी नहीं होता। हाँ सत अगर निकाल लिया तो सब मिट जाएगा, है कि नहीं? सत पे टिका हुआ है तो सत निकाल दिया, अगर अपन ने इसके पिलर निकाल लिए तो खत्म हो जाएगा। ऐसे सत अगर निकाल लिया तो मतलब मेन कौन? परमात्मा का रोल इसमें ऐसा है कि परमात्मा चाहे तो आगे आएगा सब, परमात्मा चाहे तो इसको मिटा भी सकता, परमात्मा चाहे तो इसको बना भी सकता, और परमात्मा ने बनाया हुआ ये सब, कैसे बनाया वो भी आगे आएंगे, वो आगे नहीं आएंगे मगर अपन विश्लेषण में लेंगे उसको। जिना मांड भक्त, इसमें से यही हमको देखना है कि परमात्मा सबसे बड़ा है, और यह ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण और अवतार, यह उस परमात्मा की 24 घंटे भक्ति करते हैं, वो आगे भी आ जाएंगे। देखो केवल बिना सब माया हुई, ब्रह्मा विष्णु सब कवावेरे, कैवल्य बिना यह सब क्या है? तो यह माया है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु सब कवावेरे, सब अवतार सगत सो शिवजी, सब अवतार सगत माने शक्ति और शिवजी परम पद को गावेरे, यह परम परम पद यानी वो ससुर परमात्मा को भजते है, रात दिन भजते है। कौन भजता है ससुर परमात्मा को? ये सब भजते है। और लोग कहते हैं कि इससे भारी कुछ नहीं है, कृष्ण भगवान से कोई भारी नहीं है, विष्णु शंकर भगवान से कोई भारी नहीं है, विष्णु भगवान से कोई भारी नहीं है। और गुरु महाराज कहते हैं, और ये तो लिखा भी है ग्रंथों में, गुरु महाराज कहते हैं कि ये सब के सब भक्ति किसकी? परमात्मा की करते हैं। अब जब परमात्मा की भक्ति करते तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा कौन हो गया? परमात्मा हो गया। तो ये सब परमात्मा के नीचे है, परमात्मा अलग है, और हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? तो हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। ख्याल में आई चीज? हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो हम एकदम सही कर रहे हैं, कहने का मतलब इसको समझने की जरूरत है। तो सब अवतार सगसो शिवजी परम पद को गावे रे, क्या कहते हैं आगे? कोटा ब्रह्मा कोटा शिवजी, कितने कोटा ब्रह्मा, हम तो एक ब्रह्मा की बात करते हैं, ये सत्स्वरूप परमात्मा, ख्याल में रहो जी, ये सत्स्वरूप परमात्मा, और ये हम एक ब्रह्मा की बात करते हैं, एक शंकर भगवान की बात करते हैं, एक विष्णु भगवान की बात करते हैं, क्योंकि हम एक ब्रह्मांड की बात करते हैं, क्योंकि हम ये ब्रह्मांड में रहते हैं। ऐसे कोटि ब्रह्मांड है, कोटि, जैसे हम यह ब्रह्मांड में रहते हैं वैसे पूरे गैलेक्सी में कोटि ब्रह्मांड है, कोटि यानी करोड़ों, कोटि ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु भगवान है, एक शंकर जी है, ये हर ब्रह्मांड में है। कोटा ब्रह्मा कोटा शिवजी कोटा विष्णु ध्यावेरे, यानी करोड़ों ब्रह्मा है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मा उस परमात्मा को भजते हैं, ऐसे करोड़ों शंकर जी उन परमात्मा को भजते हैं, और ऐसे करोड़ों विष्णु उस परमात्मा को भजते हैं। आप ये चीज ख्याल में लाओ, समझे? कोटा ब्रह्मा कोटा शिवजी कोटा विष्णु ध्यावेरे, रूम रूम में कोटा ब्रह्मांड, और वो परमात्मा कैसा है कि उस परमात्मा के रोम रोम में, किसमें? एक एक रोम में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, यानी कितना भारी, कितना पराक्रमी और कितना यानी बढ़िया वो परमात्मा है, यूँ समझ के चलो, मतलब उनके सामने ये सब चीज़ें कैसी है? बहुत ही छोटी छोटी है। जैसे हमारा एक रूम देखो, हमारे रूम यहाँ पे जो भी है, इस रूम में छोटे छोटे किटुकले जो रहते हैं, समझो बारीक बारीक जो भी रहते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं। अब इतने बड़े शरीर में इतना सा घूमते रहा तो हम तो फूक कर दिया कि उड़ जाता हो। अब इतना सा उसमें भी जीव है, वो भी घूम रहा, खा रहा पी रहा सब कर रहा कि नहीं? और हम भी खा रहे पी रहे, अब उसके नज़र में हम कौन है? हम कौन है कि ये भाई तुम मेरे नज़र में कौन है? तो तुम मेरे नज़र में तुम्हारे रोम के बराबरी भी मैं नहीं कर सकता। ख्याल में ये चीज़, तुम्हारे रोम की बराबरी मैंने तुम मैं तो रोम के बराबर हूँ तुम्हारे, समझ में आई चीज़? तुम्हारे रोम की वो चेयर लेती कुड़ वो रोम के बराबर मैं बराबर नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अब देखते ना, हम बहुत बार ऐसा देखते नहीं क्या कि छोटे मोटे किटुकले आते हैं और ऐसे सामने से जाते हुए दिखते हैं, और हम समझ में आता है हमको कि इतना छोटा सा फूक करके उड़ा देते हैं हम उसको, और वो अपनी जगह पे कैसा है, उसको कैसा लगता कि मैं हूँ अकेला सब, जैसे हमको लगता है। ख्याल में ये चीज, हमको लगता जैसे वैसे उसको भी लगता होगा ना, छोटे ऐसे ही हमको यहाँ लगता कि सब मैं हूँ, और मैं हूँ तो मेरे से श्रेष्ठ कौन है? तो फिर ब्रह्मा जी शंकर जी विष्णु जी संसार को लगता है।
और फिर गुरु महाराज उदाहरण देते, भाई ये ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी कौन है, तो यह मेरे मतलब यह ब्रह्मांड में है, एक एक ब्रह्मांड में ऐसे एक एक ब्रह्मा जी विष्णु जी है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मा विष्णु में मेरी भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड मेरे एक एक रूम में है, मेरे एक एक रूम में है, करोड़ों ब्रह्मांड एक रूम में है, ख्याल में लाओ जी, और हर हर ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी भक्ति करता है, मतलब कैसा हो गया, आप इस पर से इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि परमात्मा कौन है, परमात्मा बहुत अलग है, कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी कोटा विष्णु ध्यावे रे, रूम रूम में वो खास, मैंने उस दिन वो आए थे दो और वो उनके लिए मैंने खास लिया, मतलब देखो हम बहुत समझाने की कोशिश करें तो लोग समझते नहीं, हाँ वो हर क्योंकि पहले से वही दिमाग में रहता कि पूर्ण परपूर्ण ब्रह्मन परम पद, ये उसी को परम पद बोला है उन्होंने भी, वो होनकार पर ब्रह्म को उन्होंने परम पद बोल दिया था, गुरु महाराज बोलते भी है कि जो जिसको तुम परम पद बोल रहे हो वो परम पद है ही नहीं, परम पद उसके बहुत आगे है, तो रूम रूम में कोटा ब्रह्मांड ताका वारण पारा रे, ऐसे परमात्मा का वार पार नहीं है, क्या है वार पार नहीं है, और हम इतने तकदीर वाले हैं कि हमको घर बैठे भक्ति मिली हुई, ख्याल में लाओ चीज, और भक्ति तो मिली हुई है और भक्ति की जो सत्ता है वो हमारे घट में रोम रोम में बसी हुई है, ये चीज ख्याल में रखो, भक्ति तो मिली है मगर भक्ति की सत्ता हमारे रोम रोम में बसी हुई है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश उस भक्ति की चाहना करते हैं, रात दिन चाहना करते हैं, और हम उस सत्ता को अनुभूति करते हैं, ये ख्याल में रहो चीज, मतलब इसलिए मैं बोलते रहता हूँ कि राम स्नेह को इतना सहज में मत लो, समझे ना, राम स्नेह को इतना बढ़िया, जैसे आपने आज पद गाया, कौन सा पद गाया, प्रीत न छिपे छिपाई संतो, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, राम राम मुख बोलन लाग्यो संता से प्रीतन काई, राम राम मुख बोलन लाग्यो संता से प्रीतन काई, जब तक पच पच था क्यों नाव उदे नहीं हो, अभी ये हंस है बराबर, ये हंस राम राम कर रहा है, राम राम कर रहा है, राम राम कर रहा है, मगर जो राम 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 नामी संत है, जो केवली संत है, हाँ इनकी इनसे प्रीत नहीं करता, इनसे प्रीत नहीं करता, मगर राम राम कर रहा है, गुरु महाराज क्या कहते हैं, जब तक ये संत से प्रीत नहीं करता, मतलब राम स्नेह से प्रीत नहीं करता, मतलब केवली संत से प्रीत नहीं करता, इसका मतलब तुझे परमात्मा कौन है यही समझा रही, परमात्मा से प्रीति नहीं है, ख्याल में लो चीज, परमात्मा से प्रीति नहीं है, परमात्मा कौन है यही समझा नहीं, तो गुरु राम राम मुख केवल लागे, राम राम तो बोलता है मगर संता से प्रीत न काई, जब तक रूढ़ो पच पच था क्यों, ये रूढ़ गया पच पच थका, खूब राम राम कर रहा है मगर परमात्मा कौन है यही समझ में नहीं आ रहा, कौन है ये परमात्मा है, सही में अखंड ध्वनि लगती है 24 घंटे ध्वनि लगती है, ये आनंद ब्रह्म की सत्ता है, और आनंद ब्रह्म की सत्ता यही है, यही सत्ता सत्स्वरूप परमात्मा के देश में है, फिर दूसरा है क्या, वही सत्ता सत्स्वरूप परमात्मा के देश में, तो गुरु महाराज कहते कि कोटा, इसलिए केवली संतों को हमेशा बाकायदा बिल्कुल उनको इज्जत देना चाहिए, उनसे उनसे भाव रखना चाहिए, उनसे प्रीति रखना चाहिए, उनसे प्रेम रखना चाहिए, एकाधी बार आप में अगर वो चीज़ नहीं बने तो एकाधी बार नहीं बनी तो चीज़ आप में बन जाएगी, और ये चीज़ बन गई यानी आप जीत लिए, ख्याल में लो चीज, ये चीज़ बन गई यानी आप जीत लिए, नए अंचल की प्राप्ति हो गई यानी आप जीत लिए, तो कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी कोटा विष्णु ध्यावे रे, रूम रूम में कोटा ब्रह्मांड, अब देखो इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसका वार पार हमको नहीं है, हमको तो जलगांव के बाहर का ही वार पार नहीं है, ख्याल में लाई चीज, इतना ब्रह्मांड का क्या वार पार आने वाला है, क्या किधर है, कितने बड़े बड़े सागर हैं, कितने बड़े बड़े हिमालय पर्वत हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं है, फिर ये तो हो गया मृत्यु लोग, फिर स्वर्ग लोग का क्या विषय है, फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी के देश का विषय क्या विषय है, फिर परब्रह्म का देश का क्या विषय है, कितना भारी भारी, ख्याल में लाओ चीज, इतना बड़ा इतना सब पसारा एक ब्रह्मांड का, ख्याल में रहो, ऐसे कोटा ब्रह्मा, कोटा ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड, कोटा ब्रह्मांड यानी एक ब्रह्मांड का हमको वार पार नहीं आता,
ऐसे करोड़ों ब्रह्म का, करोड़ों ब्रह्मांड का वो परमात्मा के रोम में, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे परमात्मा का वारपार क्या आने वाला है बताओ? आता क्या? किसी को नहीं आता। तो यही चीज गुरु महाराज कहते हैं, ताका वारन पार, ताका वार पार नहीं आवे रे लो, तो उसका वार पार नहीं आता।